कोरोना के नए साउथ अफ्रीकन स्ट्रेंथ के साथ साथ इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों को आज यहां पर इंदौर में जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से संयुक्त सचिव रेखा शुक्ला आज इंदौर पहुंची और उन्होंने यहां पर तमाम प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, जो चाहे हम बात करें वैक्सीनेशन की और जो कोविड के इलाज जिन मरीज़ों के हो रहे हैं उन अस्पतालों की, वहां पर जाकर उन्होंने जायज़ा लिया और पूरी तरह से यहां पर देखा कि किस प्रकार से कोविड के मरीज़ों का इलाज हो रहा है और उसी के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का जायज़ा भी लिया और वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर में जो वैक्सीन लगवाने आते हैं उनकी जो व्यवस्थाएँ की थी वो किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा रखी गई है। उसी के साथ उन्होंने होम आइसोलेशन का जो सेंटर बना हुआ है उसको भी देखा और उसमें कई प्रकार के उन्होंने निर्देश भी दिए। हालांकि जब सेंटर्स के लोगों से पूछा गया कि जो विदेश से आने वाले जो नागरिक हैं उनके जो पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनके साथ साथ जो नेगेटिव मरीज़ है उनका भी डाटा उनको अब रखना ज़रूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो विदेश से आने वाले जितने नागरिक हैं, जितने यात्री हैं, उनकी संख्या भारत में आने वाले जो यात्री हैं उनकी कितनी रही। उसी के साथ उन्होंने जो व्यवस्थाएँ उसको काफ़ी सुचारू रूप से अच्छा बताया और ये भी बताया कि हम जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं देखने आए राज्य और केंद्र की आपसी समन्वय को यहाँ पर सुचारू रूप से बनाने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं, उन्होंने देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना संक्रमण काल का जब पिक समय था उस समय इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तर का कोरोना संक्रमण का जो जिला था वह कहलाता था। उसी के साथ अब जो नया स्ट्रेंथ अभी आया है उसके सैंपलिंग तो अभी फ़िलहाल सैंपलिंग चेक होने भेजी है लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और उसी को देखते हुए यह दल यहाँ पर आना एक बड़ी बात है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।